अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक खीर की रेसिपी, जो कि हम घर के चीज़ों से बनाएंगे। हाँ, जो चावल हम फेंक देते हैं, बचे हुए कुकड राइस, लेफ्ट ओवर राइस, उसी से हम आज की खीर बनाएंगे। तो ये देखिए, इस चावल को मैंने एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र किया है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी और हम इसे ग्राइंड करेंगे। हम इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, हमें दरदरा ही इसे ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेसल में एक चम्मच घी लिया था और इसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप किया है, जैसे काजू, बादाम, और अब हम इन्हें घी में रोस्ट करेंगे। घी गर्म हो चुकी थी, इसलिए अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे और हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें रोस्ट करेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना आए। रोस्ट करने से हमारी जो एक खीर जो हम बना रहे हैं, इससे रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी अच्छा होगा और हमारी खीर का टेस्ट भी अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 kg फुल फैटी मिल्क लिया है और इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। इसी के साथ जो हमने बचा हुआ खाना ग्राइंड करके रखा था, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके का पेस्ट बनाया। इसका दरदरा ही रखा है मैंने। मेक श्योर आप भी इसी तरीके का पेस्ट इस बनाइए। तो अब जो हमारा ये राइस है, ये मैं दूध में ऐड करूँगी और दूध को कंटिन्यूसली में हम स्टेयर करते रहेंगे ताकि ये बॉटम से चिपक ना जाए। इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। आप जो अभी ये गुठलियाँ देख रहे हैं, इसमें मैं अच्छी तरीके से जब इसको मिक्स करूँगी तो ये नहीं रहेंगी। इसलिए हमें कंटिन्यूसली इस चम्मच को चलाते रहना है ताकि हमारा जो खाना है ये बॉटम से स्टिक ना हो जाए, तभी हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए, आप जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मेक श्योर कंटिन्यूसली हमें चम्मच को चलाते रहना है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने इलायची के 4-5 दाने लिए थे और इन्हें मैंने कूटा था। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। इसमें एक तो अच्छी स्मेल आ जाएगी इससे और हमारी खीर का टेस्ट भी एनहेंस होगा। ये हम एज ए कैडमम एसेंस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको मार्केट से ईजीली मिल सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ एक चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, कंटिन्यूसली मैं चलाती रही हूँ, अब ये थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक बनानी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें आधी पिंच टर्मरिक की ऐड की थी कलर आने के लिए। और यहाँ पे आप इसमें केसर की कलियाँ ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने हल्दी ऐड की है। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ इसमें लास्ट में, क्योंकि किशमिश खट्टे होते हैं, हमारा ये दूध जो था ये फट सकता था। अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ, अगर ज़्यादा देर तक हम शुगर को दूध में पकाएंगे तो ये हमारा दूध फट सकता है, इसीलिए मैंने लास्ट में शुगर ऐड किया है। तो ये देखिए, हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखिए कितना रिड्यूस हो चुकी है, हमारा जो ये 1.5 kg दूध था ये अब 1 kg के बराबर हो गया है। इतना हमें इसको पकाना है ताकि ये सारा दूध रिड्यूस हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी एक थिक कंसिस्टेंसी बने। तो हमारी खीर बन के तैयार है। आप देखिए मैंने किस तरीके से इस खीर को घर की चीज़ों से आसानी तरीके से बनाया है। लेफ्ट ओवर राइस हम आधा फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना हम उसे इस राइस में, इस खीर में बदल दे, सॉरी। तो आप अच्छी तरीके से एक खीर बना सकते हैं अपने लेफ्ट ओवर राइस की। आप देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, बहुत मज़ेदार लग रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।